Hello friends, this is Sonu Chandra. Welcome to my channel. Today I will show you how to connect PIR motion sensor with Arduino. Let's start. PIR motion sensor को passive infrared sensor भी बोलते हैं. PIR motion sensor एक electrical sensor है जो measure करता है उसके सामने आने वाले object को infrared light से. चलो दोस्तों, अब हम PIR sensor को Arduino के साथ connect करते हैं. पार्ट्स रिक्वायर्ड: PIR मोशन सेंसर, आर्डिनो यूनो, जम्पर वायर्स मेल टू फीमेल, ब्रेडबोर्ड, टेन के ओम रेजिस्टेंस एंड LED लाइट्स फॉर सर्किट. PIR मोशन सेंसर की मेनली हम तीन पिनों को यूज करते हैं. ग्राउंड पिन, आउटपुट पिन एंड VLCC पिन. VLCC पिन पे हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, ग्राउंड पिन हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और आउटपुट से हम आउटपुट लेंगे. लेट्स स्टार्ट द कनेक्शन. कनेक्शन के लिए हमें पहले PIR मोशन सेंसर के को जम्पर वायर के साथ कनेक्ट करने हैं. ग्राउंड पिन के लिए ब्राउन केबल, आउटपुट पिन के लिए येलो केबल और VCC पिन के लिए ऑरेंज केबल. PIR मोशन सेंसर की VCC पिन को हम Arduino से 5 वोल्ट सप्लाई देंगे. PIR मोशन सेंसर के ग्राउंड पिन को हम माइक्रोकंट्रोलर के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे. PIR मोशन सेंसर के आउटपुट पिन को हम Arduino के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, 0, 1 एंड 2. अब हम ब्रेडबोर्ड लेंगे. एलईडी लेंगे. एलईडी की दो पिनें होती है, पॉजिटिव पिन एंड नेगेटिव पिन. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो छोटी पिन होती है वो नेगेटिव पिन होती है और जो बड़ी पिन होती है वो पॉजिटिव पिन होती है. तो हम एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार. एलईडी की पॉजिटिव पिन के साथ हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे. ताकि हमारी LED फ्यूज ना हो. अब हम एक वायर लेंगे, जम्पर वायर लेंगे. जम्पर वायर को हम LED की पॉजिटिव वायर जिसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसके साथ हम ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे. और फिर उसको माइक्रोकंट्रोलर की पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट करेंगे. एक और जम्पर वायर लेंगे, उसको हम LED के नेगेटिव सिरे पे लगाएंगे ब्रेडबोर्ड में और उसको माइक्रोकंट्रोलर के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे. ऑल कनेक्शन डन.
अब हम आर्डिनो को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारा पेयर मोशन सेंसर अच्छे से काम करना है। पेयर मोशन सेंसर के अंदर जैसे हमने प्रोग्राम अपलोड किया तो हमारी एलईडी ब्लिंक करनी शुरू कर गई है। अब पेयर मोशन सेंसर के अंदर यहाँ टाइम एडजस्टर और डिस्टेंस एडजस्टर होता है। टाइम एडजस्टर 0.3 सेकंड से हम 5 मिनट तक हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और हम 5 मीटर तक इसकी डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।